ये है बोइंग का F-15EX और ये है F-15 ईगल स्ट्राइक ईगल का एक अपडेटेड वर्जन। इसे बनाया है बोइंग ने और आपको बता दें कि बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी ने एरोस्पेस कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मिलकर इसे 34 साल पहले तैयार किया था। 1986 में इसे बनकर ये तैयार हो गया था और लगभग 2 साल बाद FE का पहला विमान यानी 30 सितंबर 1989 को अमेरिकी वायुसेना में कमीशन हुआ था। हवा से हवा में मार करने वाले विमानों की बात करें तो उनमें ये सबसे बेहतरीन था, लेकिन अब इसे अपडेट कर F-15EX बना दिया गया है और अब इसको बेचने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। दरअसल अमेरिका अक्सर अपने पुराने फाइटर जेट्स जिनका इस्तेमाल वो नहीं कर पाता है उसको अपडेट के नाम पे उसको डेवलप करके वापस से बेच देता है उन देशों को जो फाइटर जेट्स खासकर अमेरिका से खरीदना चाहते हैं। बताया जाता है कि हवा से हवा में मार करने के मामले में इस एयरक्राफ्ट का कोई तोड़ नहीं है। इसकी एरोडायनेमिक्स बनावट के कारण इसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की श्रेणी में बेहतरीन माना जाता है। अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बोइंग F-15 ईगल को F-15EX में बदलने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की ओर से $1.5 बिलियन खर्च करने की मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि F-15 एक 2 इंजन वाला 4th पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और इसको अपडेट करके अमेरिका चाहता है कुछ देशों को बेचना जिनको मल्टी रोल फाइटर जेट्स की जरूरत है। दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स का दावा है कि F-15EX लड़ाकू विमान अपने पुराने वर्जन से हर मायने में अलग है और जब F-15 को अपडेट किया गया तो ये 4.5 जनरेशन का विमान यानी EX बन जाएगा, लेकिन ये 5वीं जनरेशन का नहीं बनेगा। अमेरिका के पास इस वक्त 5th जनरेशन का F-35 है, लेकिन ये जो 4.5 जनरेशन की बात हम कर रहे हैं F-15EX की, उसे अमेरिका ने बना लिया है और ये वो पुराने विमान हैं जिनको अपडेट किया गया है। F-15EX में नए फ्लाई बाई वायर फ्लाइट कंट्रोल, एक नया इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और उन्नत कॉकपिट सिस्टम के कारण ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर भारी पड़ता है। दरअसल अमेरिका F-15 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बना रहा था। जब इस विमान की लागत काफ़ी बढ़ गई तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के लिए चिंता बन गया। अमेरिका को बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान बनाने की जरूरत थी, लेकिन बजट की कमी के कारण वो F-35 को बड़ी संख्या में नहीं खरीद सकते। इसलिए F-15EX को और इसके पुराने मॉडल्स को विकसित किया गया जिसमें कई सारी खूबियाँ F-35 से ली गई और इन्हें शामिल किया गया। भारत बनावट के संदर्भ में अगर हम बात करें F-15EX की और राफेल के मुकाबले, तो F-15 का अधिकतम भार जो लगभग है वो है 36,000 टन, जो कि सुखोई 30 MKI के बराबर है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। बोइंग का दावा है कि F-15EX 13 टन से अधिक वजन के हथियार और ईंधन लेकर उड़ सकता है, जबकि राफेल की क्षमता सिर्फ महज 9.5 टन की है। बोइंग का यह भी दावा है कि F-15EX 22 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जा सकता है और जो अब तक बनाए गए किसी भी लड़ाकू विमान में सर्वाधिक है। 22 एयर टू एयर मिसाइलों का ले जाना अपने आप में आपको एयर फाइट में डोमिनेट करता है। आप डोमिनेट करेंगे क्योंकि आप दुश्मन को यानी दुश्मन पर आप ज़्यादा बार हमला कर सकते हैं। दरअसल भारत अभी भी 114 मल्टी रोल फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स खरीदने को लेकर विचार कर रहा है और किस कंपनी से कौन सा विमान खरीदा जाएगा इसको लेकर अभी फाइनलाइज जो है वो उसे नहीं किया गया है। लेकिन इसी क्रम में दुनिया के तमाम बेहतरीन फाइटर जेट्स बनाने वाले जो कंपनियां हैं वो भारत के सामने अपने अपने विमानों का प्रस्ताव रख रही हैं। जब हम बात F-15EX की कर रहे हैं तो आपको बता दें कि F-15EX को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ये विमान 13,607 किलोग्राम वजन के बराबर को बम लेकर उड़ान भरने में सक्षम है और ये F-15C का एक अपडेटेड वर्जन है। दरअसल इस विमान को अमेरिका भारत देना चाहता था, लेकिन भारत ने इसके बजाय राफेल को चुन लिया। लेकिन अभी भी अमेरिका चाहता है कि जो और ज़रूरतें हैं भारत की उसमें इस विमान को फिर से रखा जाए भारत के सामने और बताया जाए कि विमान कितना खास है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिकी की जितनी कंपनियां हैं अमेरिका की वो ये दावा कर रही हैं कि अगर आपने हमें 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो डील है वो हमें दे अगर आप देते हैं तो जो विमान हम आपको देंगे वो किसी और देश को नहीं देंगे। ऐसा भी दावा अमेरिका की कंपनियां भारत कर रही हैं। लेकिन फिलहाल F-15EX अगर बात करें तो ये एक अपडेटेड विमान है, कोई नया विमान नहीं है, बल्कि F-15C का ये एक मॉडर्न वर्जन है।